नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आज हम बात करेंगे कलश की, क्योंकि कलश जो होता है, कहते हैं कोई भी पूजा कलश के बिना अधूरी मानी जाती है। जैसे हम जानते हैं कि जब हम नवरात्रे आते हैं तब भी हम सबसे पहले घट स्थापना करते हैं, यानी कलश की हम स्थापना करते हैं। और इसी प्रकार ऐसा भी सुना गया है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें से भी कलश निकला था। तो इसीलिए कलश के बिना सबसे पहले तो हर पूजा अधूरी है, और दूसरा अगर आप कलश घर में नहीं है या नहीं रखते हैं डेली, तो आपके घर में कहीं ना कहीं परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। तो कलश के कितने सारे फायदे हैं, यही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह का कलश हमें रखना चाहिए घर में। तो कलश जो है, आप मिट्टी का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, साथ ही साथ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सोने का भी कलश रख सकते हैं। इसके अलावा लोहे का जो कलश है वो नहीं रखना चाहिए घर में। कुछ कुछ लोग होते हैं लोहे का कलश भी उठा के रख लेते हैं, तो लोहे का कलश हमें नहीं रखना चाहिए। इसके बाद कलश पे हमें रोली से स्वास्तिक बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि स्वास्तिक कहते हैं कि गणेश जी का एक तरह से प्रतीक होता है और एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे नवग्रह और पूरा ब्रह्मांड प्रसन्न रहता है। तो इसीलिए स्वास्तिक बनाना बहुत ही आवश्यक है। कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। कलश आप अगर भर के रखते हैं तो आपका घर भी पूरा धन धान्य से भरा रहता है। बात करेंगे हम कि कौन सा कलश किस जगह पे रखने से आपके घर में खुशहाली सुख समृद्धि आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रसोई घर में कलश रखने की। अगर आप रसोई घर के पूर्व उत्तर या पूर्व उत्तरी दिशा में कलश रखते हैं, चावलों से भर के, यानी अक्षत से भरा कलश आप रखते हैं, यदि कलश चांदी का है तो अति उत्तम है, अगर नहीं है तो आप पीतल या फिर मिट्टी का भी रख सकते हैं। तो आप कलश जब रखेंगे चावलों से, यानी अनाज से भरा हुआ रसोई घर में, तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पे बनी रहेगी और कभी भी भोजन में कमी नहीं आएगी। बात करेंगे हम दूसरे उपाय की। यदि कलश को जब आप अपना घर का निवारण करवा रहे हो, यानी घर बनवा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कलश को आप अपने घर की, यानी जो आपकी ज़मीन है उसकी उत्तर पूर्व दिशा में, अगर कलश को सिक्कों से भर करके और उस पर लाल कपड़ा लपेट करके गाड़ दें, तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। आर्थिक स्थिति में हमेशा सुधार रहेगा, धन भी रुकेगा, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। बात करेंगे हम दूसरे उपाय की। कलश पे अगर आप नारियल रख करके अपने पूजा घर में रखते हैं, ध्यान रखिएगा उस कलश में गंगा जल और पानी मिला करके ज़रूर रखें, खाली ना रखें, और उसको लाल कपड़े पर रखें। तो ऐसा करने से आपके घर में जो मानसिक तनाव एक तरह से प्रकट हो जाता है कुछ लोगों के घर में, वो नहीं होगा। बात करेंगे हम चौथे उपाय की। यदि आप चांदी के कलश में सुबह गंगा जल और गुलाब जल भर के रखते हैं और उसके बाद शाम की पूजा के समय उसको आप अपने घर में पूरे घर में छिड़काव करते हैं, तो आपके घर की मानसिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, साथ ही साथ आपके बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको, ये उपाय आपको पसंद आए होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके एस्ट्रो तक को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।